अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुनैना का घर उसका ससुराल है और सुनैना मेरे साथ अपने घर वापस जाएगी। नमन जी, हम कहा कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए हमारी बिटिया को इसका मायका में आने दीजिए ना। कैसे कि वो हमारी कुमुद दीदी इसकी माँ की यादें हैं, तो कुछ दिन और रहेगी अपनी माँ की यादों के साथ, तो इसको अच्छा लगेगा। देखिए, सुनैना को अभी यादों की नहीं बल्कि अपने पति के सहारे की जरूरत है। चलो सुनैना। ना अमन जी, माँ आपकी किन्नत औलाद हमारे हाथ आई मारेगी। एक किन्नर को बहू बना के अपने दरवाजे उतारे हम छी, अपने आप से खिन्न आ रहा है हमको। सॉरी सुनैना, मेरे होते हुए भी तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और हाँ, जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया, जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ पेश आया, उसके लिए भी आई एम सॉरी। लेकिन ये सब इसलिए नहीं था कि मैं तुमसे नफरत करता था। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। लेकिन मुझे लगने लगा था कि जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, उसने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन हाँ, मुझे ये समझने में थोड़ा वक्त लग गया कि तुम अब भी वही हो जिसे मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया। मेरी वही सुनैना। मेरी सुनैना। पागल,
एकदम पागल हो गया था, लेकिन ये सच है कि मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की और मुझे लगता है कि मैं तुमसे कभी नफरत कर भी नहीं पाऊंगा। तुम क्या हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो हो जैसी हो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, लेकिन जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हें हर एक मुश्किल से बचाने आता रहूंगा। मुझे नहीं पता इस रिश्ते की कोई मंजिल है भी या नहीं, लेकिन बस ये जानता कि मैं तुम्हें इस रास्ते पे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई थी तो वही पूरी करनी थी, इनका पहले भी कॉल आ चुका है, अब मैं जाके फटाफट वापस आता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ। जी को हमारे जीवन में वापस लाने के लिए आपका थैंक यू कान्हा जी। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि आपके अलावा हमें इस दुनिया में कोई भी हमें हमारे अस्तित्व के साथ अपना है। राजनी तुम ड्राइंग रूम में सो जाओ। मैं हॉल में नहीं सोऊंगी। कानून के मुताबिक एक महीने तक मुझे और तेज सर जी को अपनी शादी को एक और मौका देना है, और कम से कम एक महीने तक मेरे पास वो सारे हक हैं जो शादीशुदा पत्नी के होते हैं, जिसमें अपने पति के साथ एक कमरे में रहना भी शामिल है। इसीलिए मैं यही सोऊंगी। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10:30 बजे। इच्छी नमन अभी अभी कहीं बाहर जाने के लिए निकला है, यही मौका है। नहीं रहेगा तो कौन बचाएगा तुझको? इन्नर कहीं की हमने बाबुआ का फसाया तूने? तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तू हमारे बाबुआ की पत्नी और इस घर की बुढ़िया बनेगी? भूल क्या लगता है तुझको? एक किन्नर होके हमरे बेटे के दिल पे हमारे घर वालों की छाती पर चढ़कर राज करेगी और हम सोने देंगे? अरे तुझे तो छूने से भी घिन आती है हमको। देख तुझे छूने से पहले ही का पहन के आए हैं हम। देख देख अरे देख राजकुमारी। मन तो करता है हमरा तुझे उठा के घर से बाहर फेंक दे, पर कहे कि बउआ तुझे दूसरी बार यहाँ लेकर आया है। हमारी बात कान खोल के सुन ले। बउआ के मन में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर कि वो खुद ब खुद तुझे दुधकार के घर से बाहर निकाल दे, और अगर तू ऐसा नहीं कर पाए तो हम
बहुत बुरा करेंगे तोरे साथ, पता है हम क्या करेंगे? तोरे मुंह से काला कोट के पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे तोरा। और ये काम शुरू हो चुका है, कहते कि तुझे देख देख के हमारा दिल जलता है और इस आग में तू जल के राख हो जाए, बचना चाहती है तो चली जा। घूर का रही है हमको, मम्मी सोची और अब नमन जी को ना पहले बहुत दुख पहुंच चुके हो और दुख नहीं पहुंच इस सोची। हमको जवाब देगी तू, हमको राजकुमारी सिंह को फिर अभी बताते हैं दूर को। ज्यादा जबान मत खोल हमरे सामने, जैसा बोल रहे हैं ना करती जा, वरना अगली बार बात करने नहीं आएंगे हम सीधा। देखो तुमने सुबह से सुने ना, मुझे पता है मां को खोने का जो दर्द होगा वो शायद मैं इमेजिन भी ना कर पाऊं, लेकिन एक बात पता है कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में हो और उन्हें बहुत ज्यादा याद कर रही हो। अमन जी हमें आपसे कुछ कहना है, जिनकी माँ नहीं होती है, जिनकी माँ उनसे छिन जाती है बहुत अभागी होते हैं, और हम अपने आप को कभी भी अभागी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे जीवन में आप बहुत बहुत अकेले पड़ गए थे नमन जी। अमन जी आप हमारे साथ हो ना तो लड़ने की हमें हिम्मत मिलती है। जी प्लीज अब आप हमसे दूर मत होना, प्लीज हमें हमेशा हमारे साथ रहना प्लीज नमन जी। अमन जी आज तक ना मैं सिर्फ माँ ने अपने हाथों से खाना खिलाया और आज आप। हाँ सुने ना, मैं उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखने की कोशिश करूंगा और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। प्लीज थोड़ा सा खा लो। बहुआ के मन में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर क्यों खुद ब खुद तुझे दुत्कार के घर से बाहर निकाल दे
और अगर तू ऐसा नहीं कर पाए तोरे मुंह पे कालक पोत के पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे तोरा। सुने ना, अब ये खाना ना रहने देते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ना बाहर चल के खाना खा लेते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें पहले लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता था वैसे, अब देखो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। नहीं, उसकी उसकी कोई जरूरत नहीं है नमन जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। और नमन खाना खा ले, जल्दी चलो, चिची बुलाई है तुमको, चलो। तुम ये पूरा खाना फिनिश कर लेना। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? अब इतना कुछ हो रहा है चारों तरफ बेटा, और वो भी बड़ा बड़ा कान। कितना टेंशन लेंगी बेचारी, आखिर है तो इंसान है ना। देखो बीमार पड़ गई, बहुत तेज बुखार है बेटा, बहुत तेज। एक मिनट, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे बाबा, आई इतने भी कमजोर नहीं है कि बात बात पे डॉक्टर को बुलाना पड़े। बाबा, हम तुमको इसलिए बुलवाए थे कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस से फोन आया था हमारे पास, वो हमको बुला रहे थे वो डिलीवरी के हिसाब की जांच करने के लिए। हमारी हालत तो तुम देख ही रहे हो ना, तो हम सोचे कि तुमको बोल देते, तुम चले जाओ और जाके वो हिसाब किताब जांच लो। काय बाबा, वो ट्रांसपोर्ट के काम में ना हिसाब किताब पे पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। माँ, मैं सब संभाल लूंगा, आप प्लीज किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, और हाँ आप अच्छे से रेस्ट कीजिए। हम है मेघना, जा जाकर गरम पानी लेकर आ। रूबी एकदम खौलता हुआ किन्नर की अकड़ को अभी पिघलाएंगे हम। अभी लाए चीची, अपना सपना था कान्हा जी। क्या क्या मतलब था इस सपने का? कभी डरावना सपना हकीकत में बदल गया तो? नहीं, हम हमारी वजह से हमारी माँ की जान नहीं जाने देंगे, अमन जी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, कुछ करना पड़ेगा। हमें नई जिंदगी देने के लिए थैंक यू नमन जी, काश हम इस लायक होते कि आपको वो खुशियाँ दे सके जिसके आप लायक हैं। अरे इस जन्म में वो मुमकिन नहीं, कान्हा जी करे हम आपको अगले जन्म में भी फिर मिले एक पूरी औरत और आपके अर्धांगिनी के रूप में। अरे इस जन्म के लिए हमारा साथ यहीं तक था नमन जी,
आपसे बहुत दूर जा रही हूँ।